वीडियो देख रही थी और लोग ना डॉक्टर को ना डॉक्टर टेणा कह रहे थे, डॉक्टर टेणा नहीं डॉक्टर लेंडा इसका काम होना चाहिए। और एक और आता है मलकू, वो तो ऐसे मेरे प्यारे बहन भी जैसे वॉशरूम साफ करने वाला ब्रश हो। तो इग्नोर मारना चाहिए, हम तो इग्नोर मार रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ रहा जो लोग जैसा भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। देखो उसके तो ऊपर दुपट्टा नजर ही नहीं आता, बाल तो नहीं है। मैं ये जो कुछ लोग है ना आंखें होते हुए भी अंधे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अंधे ही रहे। और जलने वाले में ऐसे वीडियो बनाएंगे, व्यूज़ों की खातिर सारे लग जाएंगे। लेकिन ना क्या है, मैं ना उनका नाम नहीं लेना चाहती, अल्लाह पाक हमारे साथ है, अल्लाह पाक देख रहे हैं। अगर मैं गलत होती तो मेरा जमीर मुझे लाजवाब करता, तो मैं गलत नहीं हूँ। निमरा अली है, सिस्ट्रोलॉजी है, और कितना लड़की है जो बिना दुपट्टों के वीडियो बना रही है, क्योंकि उनके दिल साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी दिल साफ है। ये नहीं होता कि अगर हमने दुपट्टा नहीं सर पर लिया तो हम गलत हैं, जमीन मर गए हैं, या हम कोई गलत काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो एक जाहिल सा डॉक्टर फिर रहा है, उसकी बीवी ने फिटिंग वाले कपड़े पहने होते हैं, उसके सर पर दुपट्टा नहीं होता, उसके बाल खुले हुए होते हैं, उसके जिस्म पर भी दुपट्टा नहीं होता, उस जाहिल आदमी डॉक्टर की बीवी के, तो उसको कोई गलत नहीं कह रहा, गलत हम लोगों को कह रहे हैं। भाई किस हक से आप सब हमें गलत कह रहे हैं? एक होता है ना कि अल्लाह ताला कहता है आंखों से देखकर बात करो कि हाँ ये इंसान गलत है। प्लेटें जो थी सोलर पैनल वाली, वो हमारी जो है ऊपर आ गई है, माशाल्लाह देखें, ये पूरी 12 प्लेटें, 1 2 3 4। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहाज रिएक्शन। बात करेंगे इन दो मॉडर्न नई नई गांव की बनी हुई मॉडर्न ख्वातीन के बारे में, जो कि पहले रोती रहीं गाती रहीं, उसके बाद अब जनाब जब चार पैसे क्या हाथ में आ गए तो अपनी औकात भूल बैठी हैं। डॉक्टर अफ़ान जिन्होंने इनके लिए आवाज़ उठाई, मैंने उठाई, और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस बेहूदगी, बेशर्मी, बेगैरती, जितने अल्फाज इनके लिए अदा किए जाएँ कम हैं, इसके लिए आवाज़ उठाई, और इनके किरदार पे सिर्फ और सिर्फ इनको समझाने के लिए आवाज़ उठाई। कोई किरदार कशी नहीं थी, जो दिखाया जा रहा था सिर्फ उसके ऊपर बात की जा रही थी। अब जब डॉक्टर अफ़ान ने इनके ऊपर आवाज़ उठाई तो ये दोनों माँ बेटियाँ उन्हीं के अगेंस्ट आ गईं और लोगों को उनके ख़िलाफ़ वरगलाने लगी और कहने लगी कि पहले अपने गिरेबान में झांको, अपनी बीवी को देखो, वो तो दुपट्टा भी नहीं लेती, उसके तो बाल खुले होते हैं, फिटिंग के कपड़े वो पहन रही होती है। इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू एक डॉक्टर के लिए की जा रही है। जो इनकी वाइफ नाज़िश हैं वो एक डॉक्टर हैं, और उसके अलावा जो वो पॉडकास्ट करती हैं उसके अंदर नॉलेज की बातें की जाती हैं, लोगों को समझाने की बातें की जाती हैं, लोगों के मसाइल को हल करने की बातें की जाती हैं। तुम्हारी तरह यहाँ पे बैठ के फातिमा और आयशा लोगों को अपनी खूबसूरती के लिए नहीं वो बैठती है, ना वो अपनी खूबसूरती दिखाती है, ना वो गैर मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है, और जिसकी तुम मिसाल दे के लोगों को कह रही हो कि हमारा ज़मीर, हमें कोई झंझोर नहीं रहा, हम बिल्कुल साफ़ हैं, सच्चे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, और सिस्ट्रोलॉजी भी है, निमरा अली भी है, सब ने दुपट्टे उतारे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अगर उतार लिए तो कोई गलत बात नहीं है। अल्लाह भी कहता है जो गलत देखो तो उसके ऊपर बात करो, गलत आदमी पे बात करो, तो क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इस अल्फाज को बोलने से पहले झंझोर नहीं रहा था कि तुम क्या खुदा को नाराज़ नहीं कर रही कि तुम दुपट्टे उतारने पे तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हो? तुम अपनी बेटी को रात को जागते के वक्त, लोगों के यानी आराम के वक्त पे अपनी बेटी को एक दरिंदों के सुपुर्द कर देती हो और ख़ुद भी पीछे बैठ जाती हो और लुत्फ़ानंदोज़ होती हो, ना सिर्फ अपनी बेटी को लुत्फ़ानंदोज़ करवाती हो बल्कि तुम भी उनकी बातों से लुत्फ़ानंदोज़ हो रही होती हो और हमारे माशरे के बच्चों को भी एक मज़ा दे रही होती हो। जो आजकल के दौर में हमारी सबसे बड़ी बुराई बन चुकी है वो है कि अपनी बुराई पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना और ढिटाई दिखाना और अपनी वाह वाह करवाना, गलत होने के बावजूद अपने आप को सही कहना। डॉक्टर अफ़ान की वाइफ पे, उनकी किरदार पे, उनके कैरेक्टर एसोसिएशन करने से पहले तुम जाहिल औरतों को ये सोचना चाहिए, जाहिल वो नहीं, जाहिल तुम दोनों माँ बेटियाँ हो कि जो एक तालीम याफ्ता खातून पे उंगलियाँ उठा रही हो, जो माशरे में बेहतरी के लिए काम
काम कर रही है, जो लोगों की इस्लाह करती है। डॉक्टर अफान जो कि डॉक्टर के प्रोफेशनल से जुड़े हुए बंदे हैं, उनको जाहिर सी बात है माशरती टॉपिक पे भी बात करना होता है। साथ ही माशरती टॉपिक पे मैं बात करने के साथ साथ एक जो हमारी रिदा नकाश जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई हैं अपने इस्लामिक लेक्चर के हवाले से, जो लोगों को, बच्चों को, सबको एक नया लेक्चर दे रही हैं घर में किस तरीके से रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा जो है मैसेज दे रही हैं अपनी वीडियो के थ्रू, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे अपनी लाइफ शेयर कर रही हैं। लेकिन वो क्यों इस बात को इग्नोर कर बैठी हैं और इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि डॉक्टर अफान भी इस माशरे का हिस्सा है, और जब जब जहाँ जहाँ बुराई होगी तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर और किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है तो क्या वो बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता। जो भी इस पाकिस्तान का इंसान है, जो भी यहाँ का फ़र्द है, वो सब इस माशरे पे पाकिस्तान में फैलती हुई इन जरासीम, इन जो बचे हुए करोना वायरस, फातिमा और आयशा नामी ये दो खातून जो रह गए हैं करोना वायरस पाकिस्तान में, इनके ख़िलाफ़ अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं। अगर वो सिस्ट्रोलॉजी पे आवाज़ उठाते हैं, बेहियाई पे आवाज़ उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं। क्या उन्होंने कोई बात ऐसी बता दें कि उन्होंने गलत बोली हो। अगर उनकी बीवी दुपट्टा नहीं पहनती तो मैं उसकी शदीद मजम्मत भी करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनकी वाइफ दुपट्टा नहीं पहनती। उनको भी इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि कम से कम अगर आप तालीम दे रही हैं, लोगों को एजुकेट कर रही हैं, अगर कुछ इस्लाह कर रही हैं तो आप दुपट्टा भी पहनिए। ये यहाँ पे इनकी थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, उसके मैं कोई वो फेवर नहीं करूँगी, अगेंस्ट ही मैं जाऊँगी। लेकिन जो रिदा नकाश ने इनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है उस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप भी इस माशरे का हिस्सा हो, डॉक्टर अफान भी, डॉक्टर नाजिश भी, सब इस माशरे का हिस्सा, और हमें अपने मुल्क के अंदर फैलती हुई इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आप इस जो कि इस फील्ड में नई नई आई हैं और एक लोगों को न्यू मैसेज दे रही हैं, लोगों की सलाह कर रही हैं, तो यहाँ पे आप कुछ गलत काम कर बैठी हैं कि आपने गलत का साथ दिया, आपने फातिमा और आयशा का साथ दिया। फातिमा और आयशा जो कि गलत काम कर रही हैं, माना कि वो ख़वातीन हैं, उनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ पर वो गलत है उन्होंने उस चीज़ पर आवाज़ उठाई है कि रातों को जागना, लाइव करना, जो कि जिसकी एज अभी इतनी नहीं है, और अभी आप उसका ज़रा देखिए एटीट्यूड, जो जब से उसके पास पैसा आना शुरू हुआ है तो उसने सोलर प्लेटें भी लगा ली हैं और ज़बान उसकी जो है ना गज़ भर की लंबी हो चुकी है, और डॉक्टर अफान, डॉक्टर नाजिश जो उनकी वाइफ है, उनके ख़िलाफ़ उसने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए, और किस तरह की वो कैरेक्टर एसोसिएशन कर रही है। तो इसमें मैं कहूँगी कि डॉक्टर अफान ने एक जाहिल लोगों से जो है ना मुकाबला करने की कोशिश की थी, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना वो साइड पे हो जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि डॉक्टर अफान जो हैं वो खामोश हो गए इनके मुतालिक, अब वो दोबारा कोई बात नहीं करी, क्योंकि जाहिलों से मुकाबला नहीं किया जाता। लेकिन मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात बोलूँगी कि जाहिल डॉक्टर अफान नहीं, जाहिल आप दोनों माँ बेटियाँ हैं जो कि अपनी बेगैरती, बेशर्मी पे, ढिटाई पे अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं और अल्लाह को कहती हैं कि अल्लाह जो है ना देख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, तो हमारा ज़मीर हमें अगर हम गलत करते तो झंझोड़ रहा होता। कभी कभार जो होता है ना अल्लाह पाक रस्सी ढीली छोड़ के इंसान की ना इंसान को आजमा रहा होता है, और जब फिर उसकी रस्सी खिंचती है ना फिर वो उसके पैर जलते हैं और वो तिल मिलाता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है कि कोई मुझे संभाल ले। तो एक वक्त अल्लाह ना करे कभी ऐसा आया आयशा जी कि आपकी बेटी फातिमा आपके हाथों से निकल गई ना, पैसों का नशा आपकी औलाद पे, आपकी बेटी आपके बेटे पे चढ़ गया ना, तो आप अपने सर में खाक ढालती घूमेंगी और आपका सहारा कोई भी नहीं बनेगा। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।